प्रायोजक B6 कैप्सूल और ट्यूब, बिन ऑपरेशन बवासीर का इलाज। उन्नाव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी कई विकास योजनाओं की सौगात, 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 योजनाओं का किया शिलान्यास। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक विवाद में कोर्ट में सुनवाई चली, 30 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। यूपी में दुर्गा पूजन के सार्वजनिक आयोजन पर रोक, कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ रामलीला मंचन की अनुमति, 100 से ज्यादा दर्शक नहीं होंगे शामिल। कृषि कानून के विरोध में देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, राजभवन घेराव की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लखनऊ में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प। वसीम रिजवी ने पीएम को लिखा पत्र, लिखा मुगलों ने जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई वहां फिर से बने मंदिर। देश में कोरोना संक्रमण के 60 लाख के ऊपर पहुंचे मामले, 24 घंटे में आए 82,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 1,039 लोगों की मौत। वॉशिंगटन के फेडरल कोर्ट ने टिकटॉक ऐप पर ट्रंप के फैसले को रोका, डाउनलोड करने पर रोक नहीं, ट्रंप ने किया था बैन। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना ने दिखाया दम, चुमारो और डैम चौक में फॉरवर्ड पोस्ट पर T-72 टैंक की तैनाती। कश्मीर में आतंकियों से एक और मुठभेड़, पुलवामा के संबोरा गांव में सुरक्षा बलों ने दो आतंकी मार गिराए, कई हथियार बरामद। नोएडा में DRDO ने वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर किया गया अपहरण, पुलिस ने वैज्ञानिक को सकुशल मुक्त कराया, महिला समेत 3 गिरफ्तार। प्रयागराज में करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकली दवाई जब्त, गोदाम में स्टोर की गई दवाइयों में नकली दवाइयां भी शामिल। आगरा में एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में नहर में गिरी कार, कार सवार दो लोगों ने किसी तरह बचाई जान। गुजरात के अहमदाबाद में एक दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत, कार सवार भी घायल। हरदोई में बीच सड़क पर धू कर जला एक ट्रक, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में नशे में धुत कार सवार दिल्ली पुलिस के एक जवान ने स्कूटी को मारी टक्कर, दोनों स्कूटी सवार घायल, अस्पताल में भर्ती। गुजरात के रामपुरा गांव का एक वीडियो वायरल, यहां एक शेर ने बछड़े का किया शिकार। विकास दुबे से जुड़े 54 लोगों की लिस्ट SIT ने LDA को भेजी, विकास दुबे की बेनामी संपत्ति इनके नाम होने की संभावना। लखनऊ के महानगर थाना इलाके में RBI के करेंसी चेस्ट में 1.5 करोड़ रुपए के नकली नोट जमा, RBI के सहायक प्रबंधक ने मुकदमा कराया दर्ज। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में 2 लोगों पर FIR दर्ज। पत्नी के साथ मारपीट मामले में IPS शर्मा पर गिरीराज, लोक अभियोजन संचालनालय के संचालक पद से हटाया गया। करंजौर के घर पर हुई पार्टी के वीडियो को फॉरेंसिक टीम ने पाया सही, फोन के डाटा से खुलेंगे कई राज। असम के 5 जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बेहाल, कई गांव में बाढ़ के चलते लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। शहीद भगत सिंह की जयंती आज, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पैतृक गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन के बाद पहली बार जम्मू में NCC कैडेट्स ने की प्रैक्टिस, महिला कैडेट्स ने किया बंदूक चलाने का अभ्यास। RJD के 60 सीट देने के ऑफर पर कांग्रेस नाराज, कांग्रेस ने दिए अकेले चुनाव लड़ने के संकेत। जल्दी बैंक ग्राहकों को धोखेबाजी से बचाने के लिए जागरूक करते दिखाई देंगे बिग बी, RBI ने बिग बी की ली सेवा। कई दौर की एक्ट्रेस की आवाज बन चुकी लता मंगेशकर का जन्मदिन आज, 19वां जन्मदिन मना रही है लता मंगेशकर। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणबीर कपूर का भी जन्मदिन आज, 38वां जन्मदिन मना रहे हैं रणबीर कपूर। IPL में आज बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई से,